आशीर्वाद तो मेरा हमेशा रहेगा। आत्महत्या नहीं तो अगर ये पता है श्री राम ने तो भी तो लिया था, जल समाधि लिया था। आइए आजम जी आइए, चलिए हो गया, छोड़ो यार। हाँ तो क्या करो, छोड़ो, तुमसे क्या मतलब है यार। सहयोगी तो तुम भी जाओ आगे। विश्व के सनातनियों को बधाई देना चाहता हूँ इस राम जन्मभूमि स्थल से। ये बड़े गर्व का विषय है कि सैकड़ों वर्ष बाद सभी सनातनियों का सपना पूरा होने जा रहा है, जिसका सपना सभी एक एक हिंदू ने देखा था और एक एक राम भक्त ने देखा था। मैं स्वयं एक राम भक्त हूँ तो इसलिए हम आभार गर्व महसूस करते हैं और यह हर्ष का विषय है कि आज मैं पुनः उसी धरती पर हूँ जहाँ से एक आंदोलन हमने शुरू किया था राम मंदिर निर्माण के लिए। आज हमारा सपना पूरा होने जा रहा है। मैं बहुत अभिभूत हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ और मेरा तो मन कर रहा है कि अब यहीं राम की जन्मभूमि के आसपास ही अपना कोई आवास भी बना दूँ। नहीं, 5 अगस्त देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है कि श्री राम चंद्र जी को किसी विशेष संप्रदाय, किसी विशेष धर्म से जुड़ना उचित नहीं है, क्योंकि राम भक्त हिंदू भी हैं, राम भक्त सनातनी भी हैं। तो ऐसे में अगर मुस्लिम राम भक्तों को नज़रअंदाज किया गया, जिस प्रकार से मैंने आंदोलन किया राम मंदिर निर्माण के लिए, तो ये मेरा भी हक बनता है। मैं भी उन्हीं का वंशज हूँ, वो हमारे पूर्वज हैं। अगर मैं यहाँ पर उपस्थित नहीं हो रहा तो यहाँ की जो पूजा होगी, शिला पूजन या भूमि पूजन, वो अधूरी पूजा होगी। वहाँ पर जब तक उपस्थिति किसी सूर्यवंशी मुसलमान की नहीं होगी, तब तक वो पूजा पूरी नहीं हो पाएगी। अगर होगी कि अगर मुझको आमंत्रित नहीं किया गया, तो मैंने एक निर्णय लिया है कि जिस प्रकार से श्री राम, जिस प्रकार से लक्ष्मण जी ने यहाँ पर सरयू में जल समाधि ली थी, तो इंशाअल्लाह ताला मैं भी उसी दिन जल समाधि ले जाऊंगा और मैं भी चाहूंगा कि अपने श्री राम के पास पहुंच जाऊं। और एक सच्चे भक्त की यही पहचान है कि जो श्री राम ने किया है वही मैं भी करूंगा, मैं भी जल समाधि ले लूंगा।